अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने एलपीजी यानी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। क्रूड ऑयल के रेट्स ने ग्लोबल मार्केट में हाई तौबा मचा दी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $112.4 प्रति बैरल का आंकड़ा छू चुका है। इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर फिर से एक बार खलबली मच गई है। इस साल आलू किसानों को आलू की अच्छी कीमत मिल सकती है, हालांकि इससे उपभोक्ताओं पर महंगे आलू की मार पड़ेगी। इस साल बंगाल और पंजाब में आलू की पैदावार कम हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में आलू की गुणवत्ता कमजोर है। राजस्थान की जयपुर मंडी में आज गेहूं के भाव स्थिर रहे, वहीं बाजरा व सरसों के भाव भी स्थिर बने हुए हैं। चने के भावों में यहां 100 रुपए की तेजी रही, भाव 4700 रुपए क्विंटल रहे। हरियाणा के कैथल में पिछले वर्ष गुलाबी सूंडी कीट के प्रकोप से कपास की बिजाई का आधे से ज्यादा समय गुजर चुका है और अब तक जिले में पिछले वर्ष की तुलना में 50% भी बिजाई नहीं हुई है। बिजाई का आंकड़ा 4000 हेक्टेयर तक भी नहीं पहुंचा। मलेशिया पाम तेल में सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट नजर आई है। मलेशिया पाम तेल वायदा 5% से ज्यादा गिर गया है। इंदौर में सोयाबीन तेल 15 से 20 रुपए घटकर 1585 से 1590 रुपए और मूंगफली तेल 20 रुपए घटकर 1640 से 1660 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। एक तरफ भारत बड़े पैमाने पर यूक्रेन और रूस से सूरजमुखी का आयात करता है, तो दूसरी ओर हरियाणा सरकार इटली को सूरजमुखी एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। इटली सरकार ने हरियाणा से सूरजमुखी खरीदने की इच्छा जाहिर की है। खाद्य तेल की कीमतों में बांग्लादेश के इतिहास में सबसे बड़ी वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि सरकार आवश्यक खाना पकाने के सामान की अभूतपूर्व कमी को समाप्त करने के लिए ये कदम उठा रही है। इस कदम से सामग्री की आपूर्ति बहाल करने में मदद मिल सकती है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में बीते कुछ दिन में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब एक बार फिर से ये गर्मी लोगों को सताएगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 40 डिग्री के पार होता है तो फिर होता फिर दिखेगा, जिसके कारण लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही। और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।